सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूरा ब्यौरा दिया। इस दौरान अपने ही रक्षा मंत्री को छुटलाते हुए उप सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा, इस तरह के हमले अतीत में भी हुए हैं, हमने वहाँ अपनी योजना के मुताबिक लक्ष्य को निशाना बनाया और वापस लौट आए, लेकिन इन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ये मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए इस बैठक में रक्षा सचिव जी मोहन कुमार और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के शर्मा के साथ साथ विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का यह दावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की टिप्पणियों से ठीक विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 सितंबर जैसी सर्जिकल कार्रवाई इसके पहले कभी नहीं हुई थी। वहीं कांग्रेस लगातार कहती रही है कि सर्जिकल कार्रवाई यूपीए के शासनकाल में 3 बार की गई थी, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पिछले सप्ताह मुंबई में एक कार्यक्रम में कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया था और सर्जिकल कार्रवाई का श्रेय सभी भारतीयों और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। यह बैठक लोकसभा सदस्य शशि थरूर की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बैठक के दौरान कुछ नहीं कहा और बाद में जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वह सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए। वहीं इस बैठक में कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी, एनसीपी के डीबी त्रिपाठी, बीजेपी के अनंत कुमार हेगड़े, माकपा के मोहम्मद सलीम और द्रुमक की कनीमोजी मौजूद थी। इस स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। उपसेना प्रमुख के बयान के बाद अब सरकार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि कौन सच्चा है, रक्षा मंत्री या फिर सेना के अधिकारी। देखते रहिए टीवी लाइव।